जय हिंद ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा ये टॉपिक है 16 टीम्स का हम नॉकआउट फिक्सर कैसे बनाएंगे। मैंने अभी पिछला वीडियो अपलोड किया था 15 टीम्स का, वो ओड नंबर ऑफ टीम्स थी और 16 हमारा इवन नंबर ऑफ टीम है और साथ ही साथ ये 2 का पावर भी है, तो हम देखेंगे कि 16 टीम का फिक्सर कैसे बनेगा। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखने हैं, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेने हैं एग्जाम के हिसाब से। सबसे पहला है कितनी टीमें हमारे टूर्नामेंट में आने वाली हैं, देन हम उनको हाफ में डिवाइड करेंगे कि क्वार्टर में, 16 से कम होंगी तो हाफ में और 16 से ज़्यादा होंगी तो उनको हम क्वार्टर में डिवाइड करेंगे। ओके, कितनी हम बायस देंगे और साथ ही साथ हम जो हाफ हम बनाएंगे उनमें क्वार्टर के हिसाब से बाय कैसे देंगे। ओके, कितने राउंड्स होंगे हमारे टूर्नामेंट के अंदर और कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे हमारे टूर्नामेंट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि 16 टीम में हम डिविजन्स कैसे करेंगे, टीम को कितने कैसे दो हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो अभी हम दो हाफ में करने वाले हैं क्योंकि 16 और 16 से कम टीमों को दो हाफ में हम डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने 14 टीम का फिक्सर कराया, 12 का कराया, उसमें मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एन बाय टू। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जो कि हमारी यहाँ पर है 16। हम 16 टीमों का नॉकआउट फिक्सर बनाने जा रहे हैं, तो 16 लिखा हमने, डिवाइड किया 2 से, क्यों? 16 हमारा n है, टोटल नंबर ऑफ टीम है, तो 2 8 जा 16, तो 8 टीमें होंगी हमारी। अगर हम टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे तो 8 8 टीमें हमारे दोनों हाफ में होंगी, अपर एंड लोअर में। ओके, बोथ, दोनों हाफ में, अपर में और लोअर में। अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस देख लेते हैं। आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर नॉकआउट का आपको नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने तो फॉर्मूला यही रहेगा। फिर आप 100 मैचों का नॉकआउट टूर्नामेंट कराए, 10 का कराए, 16 का कराए, 50 का कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा आपका एन माइनस वन, तो 16 माइनस 1। एन क्या है? सेम, ये वाला एन और ये वाला एन दोनों का एक ही मतलब है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो 16 माइनस 1 15। तो मैथ से कितने भी मैच होंगे, मैथ से एक कम, ठीक है, मैथ से मैच माइनस वन, सॉरी टीम, टीम से एक कम, जितनी टीम होंगी टीम से एक कम। अरे थोड़ा लिखने पे इस पे, सॉरी मत जाना, ये थोड़ा मैं इसमें इससे लिखती हूँ ना हाथ से, तो थोड़ा सा अजीब ही हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे टीम होंगी उनसे एक कम हमारा मैच होगा। 16 टीमें हैं तो 15 मैच होंगे, 15 टीमें हैं तो 14 मैच होंगे, 14 टीमें हैं तो 13 मैच होंगे, 13 टीम है तो 12 मैच होंगे, 12 टीम है तो 11 मैच होंगे। तो जितनी भी टीम है उससे एक कम हमारा मैच होगा नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। अब बायस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 टू की पावर है तो इसकी बायस थोड़ा डिफरेंट होंगी, देखते हैं कैसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी इस टूर्नामेंट में जो खेलने आई हैं वो 16 टीमें खेलने आई हैं और 16 एक इवन नंबर है, हम दो हाफ में डिवाइड कर चुके हैं इनको। देखिए मैंने क्या बताया था बाय निकालने के लिए, कि आप 2 की पावर को जब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक वो टोटल नंबर ऑफ टीम से एक बड़ी ऊपर वाली जो संख्या ना जाए, एक बड़ी नहीं मतलब कोई भी, एक बड़ी, दो बड़ी, तीन बड़ी, मतलब अगली बड़ी संख्या ना आ जाए, तो जब तक हम 2 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये तो परफेक्ट मिल गया। अब 16 ही हमारी टीमें हैं और 16 ही आ गया। अब कई बच्चे पूछेंगे तो हम इससे अगला ले लेंगे, 16 से अगला 32 ले लेंगे, तो ये नहीं। आप जाइए, मैं इसमें भी लिंक में दूंगी, बेसिक वीडियो वाला नॉकआउट का जो मैंने बेसिक्स वाला वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिए, मैंने इसमें साफ साफ समझाया है कि वो टीमें जो 2 की एग्जैक्ट पावर हैं उन टीमों को हम बाय नहीं देते। जैसे कि अभी नीचे मैं बताऊंगी, तो ये देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो 16 क्या है? वो एग्जैक्ट पावर है 2 की, तो हम 16 टीमों में बाय नहीं देंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या और भी ऐसी टीम है जिसमें हम बाय नहीं देंगे, तो बिल्कुल, वो सभी टीम्स जो कि 2 की पावर है उनमें हम बाय नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे टूर्नामेंट में 2 टीमें खेलने आए तो हम बाय नहीं देंगे, 4 टीमें खेलने आए तो बाय नहीं देंगे, 8 खेलने आए तो बाय नहीं देंगे, 16 खेलने आए तो बाय नहीं देंगे। सेम एज 32 64 128 256 512 1024 और आगे ऐसे आप 2 की पावर को मल्टीप्लाई करते चले जाइए 2 को, तो जो 2 की पावर कितनी भी होंगी अगर उतनी टीम हमारे टूर्नामेंट में खेलने आती है जो एग्जैक्ट 2 की पावर है उसमें हम बाय नहीं देंगे। तो ये आप थोड़े से ध्यान रख सकते हैं, 2 4 8 16 32 64, इवन आप ये वीडियो 12 से ऊपर के बच्चों के लिए तो आपको पता ही है 2 की पावर क्या होती है। तो ये आप 4 5 ध्यान रखिए कि जो एग्जैक्ट 2 टीमें आई हैं, 4 आई हैं, 8 16 32 64 128 256, तो ये अगर इतनी टीमें हमारे टूर्नामेंट में खेलने आती हैं तो हमें पता होना चाहिए हम इन टीम्स को बाय नहीं देंगे क्योंकि ये 2 की पावर है। और कई अब भी पूछ सकते हैं क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई हम बाय देते क्यों हैं? हम बाय देते हैं कि एक टीम, एक प्रॉपर एक पेयर बन जाए, सारी टीमों का मैच हो जाए,
अब 16 टीम है तो परफेक्ट 8 पेयर बनेंगे टीमों की, हमें जरूरत ही नहीं बाय देने की। हमें बाय देने की जरूरत ही तब पड़ती है जब हमारे पेयर्स नहीं बनते। तो जब भी हम 2 की पावर की बात करेंगे इन टीमों में, चाहे 2 टीम आए, चाहे हमारी 128 टीम आए, 256 आए या 1024 आए, इन टीम्स के अंदर परफेक्ट पेयर बन रहा है तो हमें बाय देने की जरूरत ही नहीं है। जब बाय देने की जरूरत नहीं है तो हमें क्यों बाय दें? तो आपने ध्यान रखना है कि बाय कब देते हैं, जब हमारी 2 की पावर परफेक्ट ना हो। जैसे कि अब हमारा ये है 2 2 4 2 8 2 16, तो वैसे हम क्या करते हैं कि जितनी टोटल नंबर ऑफ टीम होती है उससे अगला 2 का पावर हम ले लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे तो इक्वल इक्वल है तो हम यहाँ कोई बाय नहीं देंगे। सेम एज अगर ये बार बार मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि 2 8 16 32 अगर हमारी इतनी नंबर ऑफ टीम्स खेलने आती है टूर्नामेंट में, 2 आए, 4 टीमें आए, 8 टीमें, 16 32 64, तो इन टीमों में हम बाय नहीं देंगे क्योंकि हमारे ऑलरेडी परफेक्ट पेयर बन रहे हैं, क्योंकि ये सारी टीम्स 2 की परफेक्ट पावर हैं, 2 की पावर है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से कि 16 को हम नहीं देंगे क्योंकि वो 2 की पावर है तो बाय नहीं मिलेगा। और राउंड्स राउंड सेम है, देखिए 2 जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतने हमारे राउंड्स होंगे टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार हो रहा है। तो हम यहाँ पर कितने राउंड होंगे हमारे, 4। आगे चलते हैं, फिक्स्चर बना लेते हैं। देखिए 16 टीमें हैं, फॉर्मूला क्या है, n/2, क्योंकि ये इवन टीम है। ओड होती तो क्या होता, ऊपर अपर हाफ का n+1/2 और लोअर हाफ का n-1/2। बार बार इसलिए बताती हूँ आपके दिमाग में चिपक जाए फॉर्मूला, आप कभी गलती ना करो एग्जाम में। तो ये हमारी, ये तो है ओड के लिए और ये हमारा है इवन के लिए। तो राइटिंग पर मत जाए, भावनाओं को समझे, मेरे पास कोई पेन वेन नहीं है, मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ इस पर, जैसा भी अजीब वगरीब लिखा जा रहा है। तो n/2 फॉर्मूला है इवन के लिए, 16 टीमें हैं, ओके, 2 से करेंगे n मतलब 16 टोटल नंबर ऑफ टीम जो टूर्नामेंट में खेलने आई है। तो 2 8 16, मतलब ऊपर वाले हाफ में और नीचे वाले हाफ में दोनों में 8 टीम होंगी। तो आप 8 के बाद यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, ओके, बीच में एक लाइन खींच लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, 8 टीम ऊपर है, 8 टीम नीचे, ओके, 8 टीम ऊपर हो गई, 8 टीम नीचे हो गई। तो आपने एक मिड में एक लाइन खींच ली, ये हमारा अपर हाफ हो गया, फर्स्ट हाफ कह लीजिए, अपर हाफ कह लीजिए, एक हमारा लोअर हाफ हो गया, इसको आप लोअर हाफ कह लीजिए या फिर सेकेंड हाफ, ओके, 8-8 टीमें दोनों टीमों में हैं, दोनों हाफ में हैं। अब बनाना शुरू करते हैं फिक्स्चर। अब देखिए पहला मैच होगा, देखिए बाय तो कोई देनी नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट 2 की पावर है, इसमें बाय की जरूरत ही नहीं है, तो हम बाय देंगे ही नहीं। तो इसमें डायरेक्टली सबके मैचेस होंगे क्योंकि पेयर प्रॉपर बन रहे हैं। टीम नंबर 1 और 2 का मैच हुआ तो हमने इसमें टीम नंबर 1 को जिता दिया। टीम नंबर 3 और 4 का मैच हुआ, हमने इसमें टीम नंबर 3 को जिता दिया, ठीक है। अगला मैच होगा टीम नंबर 5 6 के बीच में, हमने मान लिया 5 जीत गई। अगला मैच होगा 7 और 8 के बीच में, हमने मान लिया कि टीम नंबर 7 जीत गई। अगला मैच होगा 9 10 के बीच में, हमने इसमें 10 को विनर बना दिया। अगला मैच 11 12 के बीच में, तो यहाँ पर 11 जीत गई। अगला मैच 13 और 14 के बीच में होगा, तो इसमें हमने 14 को जिता दिया। अगला 15 16 के बीच में, तो हमने 15 को जिता दिया। और इसी के साथ पहला राउंड कंप्लीट। पहले राउंड की क्या समरी है, टीम नंबर 1 3 5 7 10 11 14 एंड 15, ये वो टीमें हैं जो जीत कर अगले राउंड में पहुंच गई। और किन किन का बैक पैक हो गया घर के लिए, टीम नंबर 2 4 6 8 9 12 13 एंड टीम नंबर 16, ये अपना बोरे बिस्तर बांध के घर को निकल गए। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इनका मतलब ये होता है जहां जिस भी राउंड में मैच हारे निकलो, कोई जगह नहीं है, दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा मौका मिलता है लीग में, लीग हम आगे करेंगे लीग टूर्नामेंट्स के फिक्स्चर, ठीक है। अगला देखिए, अगला मैच हुआ हमारा 1 और 3 के बीच में, इसमें हमने 3 को जिता दिया। अगला मैच हुआ 5 और 6 7 के बीच में, हमने 7 को विनर मान लिया। अगला मैच 10 और 11 के बीच में, हमने 11 को विनर मान लिया। अगला 14 और 15 के बीच में, हम 14 को तो हारने नहीं देंगे भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ वाला 14 है ये, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड हो गया। तो सेकेंड राउंड की हमारी समरी क्या होगी, टीम नंबर 3 हमारी विनर है, 7 विनर है सेकंड राउंड में, 11 विनर है, 14, और कौन कौन घर निकल लिए, टीम नंबर 1 चली गई 5, ठीक है, 10 एंड टीम नंबर 15, ये सब अपने घर के लिए निकल गए क्योंकि इनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, नो सेकंड चांस, एक ही चांस मिलता है, हारो या जीतो।
और मैं बार बार बता रही हूँ कि जब भी आप ये अंदर ये टीम का नंबर लिखेंगे तो आप इसको मेंशन करेंगे बकायदा कि ये है क्या। मैं इसको कलर पेन से लिखती हूँ तो मैं बताती हूँ कि ब्लू जो भी जिस भी कलर से लिखती हूँ ब्लू ग्रीन ब्लैक कि ये जो ब्लू नंबर है ये जीतने वाली टीम का नंबर है। आगे देखते हैं थर्ड राउंड में मैच हुआ 3 और 7 का, यहाँ से 3 ने बाजी मार ली, 3 जीत गए। अगला मैच हुआ 11 और 14 के बीच में, वो टीम नंबर 14 जीत गई। ठीक है तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। इसकी समरी क्या होगी, अगर हमें किसी प्रेस रिलीज में देनी है तो मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, इन फ्यूचर बाय चांस आप में से कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में चला गया तो आपको फिक्स्चर्स के बारे में नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम अगर प्रेस रिलीज मांगते हैं तो कैसे देते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजर ने देनी है तो क्या बोलेगा कि आज थर्ड राउंड था, टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 3 एंड 14 हमारे फाइनल में आ गए हैं और कौन कौन हार गए सेमीफाइनल में, टीम नंबर 7 और 11 हार के अपना घर निकल गए। अब फाइनल राउंड है, फाइनल में हमने 14 टीम को जिता दिया है, 14 हमारी विनर है, ये हमारी विनर है। साथ ही साथ फोर्थ राउंड खत्म, टूर्नामेंट में 4 ही राउंड होने हैं तो आपका इसमें ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि क्या कोई ऐसी टीमें भी होती हैं जिनको बाय ना देना पड़े। बिल्कुल, ये 16 उसी का ही एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये 2 की पावर है तो वो सभी टीमें जो 2 की पावर है उनमें हम बाय नहीं देंगे क्योंकि उनके देखिए सबके पेयर बने हुए हैं। देखिए ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना, जब पेयर ऑलरेडी बने हुए तो बाय देना क्यों है। बाय हम इसलिए देते हैं कि ताकि हम अपने टूर्नामेंट को सिस्टमिक तरीके से करा सकें, प्रॉपर सिस्टम से करा सकें, कोई होच पोच ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसके साथ सॉल्व हो गया कि बिना बाय के भी टूर्नामेंट हो सकते हैं पर उनके लिए जरूरी है कि जो टीमें आएंगी वो परफेक्ट 2 की पावर होनी चाहिए। तो इसी के साथ 16 टीमों का फिक्स्चर समाप्त हो गया भाई। आई होप समझ आ गया होगा, और समझ आता है तो भाई नॉलेज को बढ़ाओ, कोई अपने पास छिपा के रखने से या ये सोचने से कि मैं नहीं बताऊं तो मेरी मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होता। सीखने वाला कहीं से भी सीख लेता है, तो अगर आपको कोई सही लगती है चीज़ तो इसको फैलाओ, अपने दोस्तों में दोस्तों को भी सिखाओ कि वो भी सीखें, उनके भी अच्छे मार्क्स आए, और अपना काम अच्छे से करो, ईमानदार बनो, देशभक्त बनो। जय हिंद, धन्यवाद।